आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है और स्क्रिप्ट को आपने रजिस्टर करवा लिया है SWA में, उसके बाद फिर आपने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो फिर आप उसे क्या करेंगे? आप उसे दोबारा रजिस्टर करवाएंगे या फिर ऐसे ही प्रोड्यूसर्स को भेज देंगे? तो ये जो डाउट है ना, ये बहुत सारे राइटर्स के मन में रहता है और कमेंट बॉक्स, ईमेल, इंस्टाग्राम सब जगह पर राइटर्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो चलिए जानिए इसका जवाब आज की वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS Films Productions। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है, बहुत ही अच्छे से आपने लिख दिया है और आप अपने अनुसार उसमें श्योर हो गए कि अब इसमें मुझे कुछ बदलाव नहीं करना है, तो आप क्या करते हैं, आप उसे SWA में रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, जिनको नहीं पता है कि आप रजिस्टर करवाते हैं, करवाने के पहले आपको राइटर कार्ड बनवाना पड़ता है, राइटर कार्ड आपके पास होना चाहिए, राइटर कार्ड बनवा करके आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको राइटर कार्ड पहले बनवाना है, फिर आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेते हैं। तो आप जैसे ही अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेते हैं, उसके बाद आप फिर निश्चिंत हो जाते हैं, आपकी स्क्रिप्ट चोरी नहीं होती है और आप उसे बेझिझक प्रोड्यूसर्स को या फिर प्रोडक्शन हाउसेस में भेज सकते हैं या सुना सकते हैं। तो अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं है, आप कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप हम लोग उसे भी बनवा सकते हैं। आप राइटर कार्ड बनवाने के लिए हमें स्क्रीन पर देखने पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके दिमाग में कुछ आया, आपको ऐसा लगा कि मैं इसमें इस तरह के कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से इसे लिखना चाहता हूँ, इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो रजिस्टर करवा लिया है, अब क्या किया जाए? अगर मैं इसे एडिट करके उसमें और कुछ चेंजेस वगैरह करके फिर अगर प्रोड्यूसर्स को भेजता हूँ तो काम चल जाएगा, या फिर उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो देखिए, इसका जवाब यह है ना कि अगर आपने जो चेंजेस किए हैं वो छोटी मोटी चेंजेस है जिससे आपके फिल्म के स्टोरी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपको उसे दोबारा रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा बदलाव किया है जो बहुत ही बड़ा बदलाव है, जिसके कारण आपका स्टोरी लाइन जो है वो चेंज हो जा रहा है, आपकी स्टोरी में बदलाव आ जा रहा है, तो फिर आपको उसे 100% दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप दोबारा रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्टोरी जो है वो चेंज हो जाएगी, और उसके बाद अगर कुछ मान लीजिए आगे चल करके कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है या फिर आप इस तरह के झमेले में पड़ जाते हैं कॉपीराइट वाले, तो फिर आपकी स्टोरी तो ट्रैक से हट गई है ना। तो अगर आपकी स्टोरी जो है वो ट्रैक से हट करके दूसरे ट्रैक पर चली जाती है, तो आपको उसमें चेंजेस करके वहाँ रजिस्टर करवा लेना है SWA में। अगर नहीं वैसा है, आपने छोटे मोटे कुछ चेंजेस कर दिए हैं, मान लीजिए कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह सुधारा है, उसमें तो आपको नहीं करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, या फिर आपने बहुत छोटा मोटा कुछ चेंज किया है तो उतना आप कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा कैरेक्टर आपने ऐड कर दिया है उतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा चेंज करेंगे तो उसे जरूर से रजिस्टर जरूर करवा लीजिए, वरना फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब जो है मिल गया होगा। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स को लिखते रहिए ताकि मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।